चुनाव के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह के उपचुनाव वाले क्षेत्रों में लगातार दौरे जारी हैं और इसी कड़ी में उन्होंने मंदसौर के सुवासरा में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के लिए 300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी, साथ ही कांग्रेस को जमकर कोसा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। उन्होंने कोरोना संकट की बात भी की और भरोसा दिलाया कि वो प्रदेश को त्रस्त नहीं होने देंगे। उन्होंने खुद को टेम्प्रेरी सीएम बताया और कहा कि जिस दिन हरदीप सिंह डंग सुवासरा से चुनाव जीतकर विधायक बन जाएंगे उस दिन वो स्थायी हो जाएंगे। इधर सीएम की सभा में विरोध करने आए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने सभा स्थल से दूर ही रोक दिया। वहीं मुख्यमंत्री की सभा के दौरान संविदा शिक्षक नारेबाजी करते रहे। इसकी लागत है 2187 करोड़ 92 लाख रुपया। आज मैं सीतामऊ की पवित्र धरती पर इस योजना को, कायमपुर सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को स्वीकृत करने का ऐलान करता हूं। तुमने विधायक की छोड़िया, हम मंत्री बनाते हैं तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अभी तो मैं टेम्परेरी हूं भाई, परमानेंट तब होगा जब ये सरदार जीतेगा।